चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग, आई होप आप अच्छे होंगे। गॉड ब्लेस यू, आप हमेशा अच्छे रहें। और गाइस, आज की वीडियो में शेयर कर रही हूँ एक न्यू मोटिवेशनल स्टोरी, जो एक घमंडी राजा और उसका ही विरोध करने वाली उसकी बेटी की कहानी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड दिल छू लेने वाली हार्ट टचिंग स्टोरी। तो गाइस, सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में दी एंड तक बने रहें। कोई भी स्टोरी रहती है, जब तक आप उसको पूरा नहीं सुनेंगे देखेंगे, तब तक आपको पता नहीं चल पाएगा कि आखिरकार वीडियो में क्या था, आखिरकार वीडियो में स्टोरी क्या थी और उसका मतलब क्या था, और उससे क्या हमें प्रेरणा, क्या सीख मिल सकती है, क्या हौसला मिल सकता है। तो ये काफ़ी मोटिवेशनल एंड आपको एक नई प्रेरणा और नई सीख देने वाली है कि आपको कभी भी किसी भी हालात में गलत का साथ नहीं देना है और हमेशा गलत का विरोध करें तो हिम्मत नहीं हारनी है, और कभी भी डिमोटिवेट तो बिल्कुल ही नहीं होना है, क्योंकि जो होता है रब की मर्ज़ी से होता है। तो देखिए, इसके लिए आपको कुछ पल की खुशियों के लिए, ऐश आराम के लिए कभी भी अपने रब के खिलाफ नहीं जाना और हक ही बोलना है। तो ये एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्टोरी है। तो आप बने रहें वीडियो में, और ख़ास तौर से वो लोग बने रहें जो जिनकी सोच हमेशा गलत के खिलाफ बोलने वाली है और विरोध करने वाली है गलत का, और उसके बाद गलत का विरोध करने के बाद कभी भी परेशानियां तो आती हैं। ये तो आप हमेशा नोट कर लें, जहन में बिठा लें कि जो लोग गलत का विरोध करते हैं उनकी लाइफ में इतनी परेशानियां आती हैं कि वो खुद सोचते हैं कि काश हम गलत का ही विरोध ना करते तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। तो ऐसी सोच ना रखें और हमेशा अपने रब पर भरोसा रखें और हमेशा हक पर ही रहें। अगर मौत भी आ गई तो कहते हैं कि इंशाल्लाह नेकी पर ही मौत आएगी और आखिरत में आपकी कहते हैं कि ज़िंदगी अच्छी होगी। तो देखिए, बने रहे वीडियो में और बिल्कुल ही स्किप ना करें, काफ़ी दिलचस्प एंड इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेशनल, हौसले से हौसला देने वाली स्टोरी है। तो गाइस, बने रहे वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह। तो एक राजा था जो बहुत बड़े शहर का राजा था, और बहुत ही ज़्यादा वो राजा घमंडी था, जिसको इतना घमंड था, जो हमेशा यही सोचता था कि जो भी है मेरा है और जो भी है, जो भी हम देते हैं सब हम ही देते हैं, जो भी लोग पलते हैं शहर में, जिसका भी वो राजा था, जिस शहर का राजा था, जिन लोगों का राजा था, तो वो उस बात पर कभी भी इतना ज़्यादा कहते हैं कि लोग एक्साइटमेंट होते हैं, गलतफहमी में रहते हैं कि मैं राजा हूँ और मैं ही सबको सब कुछ देता हूँ और मेरे ही सब टुकड़ों पर पलते हैं और मेरे ही कहते हैं कि देन से सबके घरों में चूल्हा जलता है और मेरे ही चीज़ों से सबकी खुशियाँ कहते हैं कि उनके घरों में आती हैं। तो ऐसा एक राजा था घमंडी, जो कि उसको इतना घमंड था कि वो हर चीज़ पर लोगों को बहुत ज़्यादा तानाकसी करता था और हर चीज़ पर लोगों को दबा के रखता था। तो उसकी चार बेटियां थीं घर में और उसके बेटा एक भी नहीं था। तो चार बेटियों में कहते हैं कि राजा अपनी तसल्ली के लिए रोज़ खुश होता था और अपनी बेटियों से तसल्ली के लिए पूछता था रोज़ गलतफहमी में, क्योंकि उसको यही घमंड था कि सब कुछ मैं ही हूँ और मैं ही सब कुछ करता हूँ। तो देखिए, चार बेटियां थीं और चार बेटियों को वो रोज़ बुलाता था अपने कक्ष में, मतलब जहाँ राजा का स्थान होता है। राजा तो हमेशा एक जगह ही, मतलब जो उनका काफ़ी हैवी हाईफाई स्टेटस के अकॉर्डिंग, मतलब एक मंच सी रहती है, वहीं बैठते हैं वो। तो उसमें राजा बैठता था और अपनी चार बेटियों को भी बुलाता था और चार बेटियों से पूछता था कि तुम किसका खाते हो, बताओ। तो जो तीन बेटियाँ थीं वो तो कहती थी, अब्बा जान, मतलब पापा, मैं आपका ही खाती हूँ, आप ही में मुझे खिलाते हो। पर एक बेटी थी जो छोटी वाली थी, वो हमेशा कहती थी कि मैं तो अपने नसीब का खाती हूँ। तो राजा को बहुत गुस्सा आता था कि मैं सब कुछ करता हूँ और मैं ही देता हूँ, तो नसीब कहाँ से आ गया, नसीब का कैसे खाती है।
तो फिर गुस्सा में राजा भेज देता था लड़कियों को, चारों बेटियों को, और फिर दूसरे दिन फिर बुलाता था वो सोच करके कि शायद मेरी छोटी बेटी भी बोल देगी कि मैं आप ही का खाती हूँ। तो बोलता था बताओ ये जो ऐश आराम, फिर पूछता था जो आपको ये ऐश आराम दिए हैं और जो जो भी नेमतें हैं, जो चीज़ें दी हैं मतलब खुशियों की, ये किसने दी हैं? तो तीन बेटियां बोलती थी अब्बा जान आपने दी हैं और आप ही मुझे सब कुछ देते हो, और हमारी कहती है जो भी खुशियां हैं, जो भी ऐश आराम है, ये सब आपकी बदौलत है। लेकिन छोटी बेटी बोलती थी नहीं आपका कुछ भी नहीं है, मैं जो भी मेरे पास है, जो हमें देता है तो वो मेरा अल्लाह देता है और मेरी किस्मत से देता है, मेरे पास जो है वो मेरी किस्मत का है। तो राजा को फिर गुस्सा आता था और वो भेज देता था। तो एक दिन आया, कई दिन हो गए थे, और लास्ट दिन को राजा ने गुस्सा में बुलाया कि आज लास्ट डे है, आज अगर इसने ऐसा बोला तो आज इसे मैं सबक सिखा के रहूँगा, इसको इसकी जो बोलती है इसकी गुनाह की सज़ा मैं दे के रहूँगा। तो उसने फिर बुलाया लास्ट डे और कहा, मतलब वो वार्निंग वाला दिन था, चेतावनी वाला दिन था। राजा ने बहुत प्लानिंग के साथ बुलाया था चारों बेटियों को और कहा कि बताओ तुम किसका खाती हो और किसके ऐसे आराम में रहती हो। तो वो बोली चार बेटियां भी कि हाँ बेशक अब्बा जान मैं आपका ही खाती हूँ, आप ही मुझे खिलाते हो। और लास्ट जो छोटी बेटी थी उसने फिर भी रोज़ की तरह ही कहा कि मैं अपने नसीब का खाती हूँ और जो भी मेरे पास है वो मेरे नसीब का है और आपका कुछ भी नहीं है। तो वो अपने अब्बा का विरोध करती थी, मतलब अपने डैड का हमेशा विरोध करती थी। तो गुस्सा आया राजा को और बहुत ज़्यादा चीखा चिल्लाया और सिपाहियों को बुलाया और कहा जाओ इसको ले जाकर के जंगल में छोड़ दो, उसके बाद इसकी अकल ठिकाने लगेगी, जब इसको कुछ नहीं मिलेगा, जब ये भूखी प्यासी मरेगी तड़पती हुई और जब इसके आराम सब छिन जाएंगे, तब इसे समझ में आएगी कि देखो इसका नसीब इसे खिलाता था या मैं खिलाता था, ये मेरे नसीब मेरी देन से ये खुश थी और इसके पास जो भी चीज़ें थी सब ऐसा आराम ये इसके नसीब से था कि मेरा था। तो उसने जो हुक्म किया सिपाहियों से, तो सिपाहियों ने अपने राजा का हुक्म तो नहीं डालना है, तो सिपाहियों ने कहा चलो राजकुमारी। तो उन्होंने उस राजकुमारी को मतलब ना साथ में लिया और चल दिए और मतलब जाकर के जंगल में उसे नदी के किनारे छोड़ दिया। और वो सिपाही काफ़ी समझदार थे, वो जानते थे कि राजा बहुत घमंडी है और ये इसे अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ता है तो हमें तो कहीं छोड़ेगा। तो इसने मतलब अपनी बेटी को इतना टॉर्चर किया है कि वो हक बोलती है और बात तो सही है। तो इसकी वजह से वो सिपाही काफ़ी समझदार थे, तो उन्होंने झाड़ियों में नहीं छोड़ा उस बेटी को और अपनी समझ से काफ़ी नदी के किनारे जो साफ़ सुथरी सी जगह थी और थोड़ी सी ऐसी थी कि अगर मतलब कोई मुसीबत हो तो वो बाहर आ भी सकती है, लेकिन वो और कहीं नहीं छोड़ सकते थे राजा का खौफ जो था इसकी वजह से, डर की वजह से, तो वहाँ पर छोड़ कर आ गए। और राजा ने पूछा छोड़ा है? बोले कि हाँ। तो आप पता चलेगा उसको कि देखते हैं कि आज के बाद उसे पता चलेगा कि वो अपनी नसीब का खाती थी या मेरा, और वो खुद ही दौड़ी दौड़ी आएगी देखना और कहेगी कि मैं आपका ही खाती थी। तो भाई वो छोड़कर आए दिन में और ऐसे ऐसे मतलब बैठे बैठे उस राजकुमारी को शाम हो गई, और शाम होने के बाद कहते हैं कि जंगल में तो डर ही लगता है, तो थोड़ा सा वो घबराने लगी, लेकिन तब भी उसने ये नहीं कहा कि मतलब हक के खिलाफ नहीं गई कि मतलब अब्बा का ही है, अपने नसीब का ही उसने फिर भी कहा, मन में भी कहा कि अल्लाह मैं तो हक पर हूँ ना, क्या हक पर ये सज़ा मिलती है। पर सज़ा नहीं, उसके दिल में एक हौसला सा था कि अल्लाह इतना बड़ा है तो वो बेशक कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर निकालेगा। तो क्या हुआ, शाम हुई और वो बेटी को थोड़ा सा डर लगने लगा, तो फिर उसने कहा कहाँ जाऊँ क्या करूँ। तो फिर उसके मन में आया कि चलते हैं कुछ साफ साफ सी जगह है ना, वहाँ से निकलते हैं।
मतलब चलते हैं, जहाँ जहाँ साफ साफ जगह है वहाँ वहाँ चलती जाऊँगी, क्या पता कोई रास्ता मिल जाए, कुछ रहने का बंदोबस्त हो जाए। तो ऐसी वो चलती आ रही थी, तो खुदा ना खासे कहते हैं कि जब अल्लाह चाहता है तो मदद भेज ही देता है। तो वहाँ एक झोपड़ी रखी हुई थी जहाँ एक बहुत ही बुज़ुर्ग रहते थे अकेले, और एक उनकी एक बकरी थी छोटी सी। तो बस वो अपनी बकरी के साथ रहते थे, दिन भर मेहनत मजदूरी करते थे और शाम को जो भी कमाते थे लाते थे, और अपना खाना पीना वही जो सिंपल। तो राजकुमारी को वो झोपड़ी दिखाई दी, उसमें एक छोटा सा चिराग जल रहा था। तो राजकुमारी ने देखा और वो चलती चलती वो वहाँ पहुँच गई, और वहाँ देखा तो बस एक बुज़ुर्ग थे जो कि मतलब काफ़ी अकेले थे, और चूल्हे में लकड़ियाँ रख रहे थे अपनी रोटी बनाने के लिए। तो अब राजकुमारी तो आपको पता ही है कि कितनी खूबसूरत हसीनो जवान। तो भाई वो गई तो बुज़ुर्ग एकदम में चौंक गए कि ये कौन आ गया है, ये तो इंद्र की अप्सरा आ गई है, ये तो कहते हैं कि हूर परी आ गई है, तो भाई ये कौन हो गई है। तो वो ये सोचने लगे शायद में ये तो फरिश्ते के जैसी, मतलब इतनी खूबसूरत थी और ये कौन आ गया अचानक से। तो उसने राजकुमारी ने कहा कि हाँ दादाजी क्या कर रहे हैं आप, और आप यहाँ अकेले रहते हैं। तो बोले हाँ बेटी मैं अकेला ही रहता हूँ, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, तो मैं दिन भर मेहनत मजदूरी करता हूँ और शाम को ला कर के बस अपना पेट पालन करता हूँ। तो राजकुमारी ने कहा क्या दादाजी मैं यहाँ रह सकती हूँ आपके झोपड़ी में। तो फलाना फलाना कि ऐसे ऐसे हमारा एक किस्सा है और ऐसी कहानी है जो मेरे बाप ने मुझे निकाल दिया है घर से ये अजमाने के लिए कि मैं अपनी किस्मत का खाती हूँ या फिर उनका। तो उसने अपनी पूरी स्टोरी बता दी जो कि मैंने पीछे बताई है सभी। तो फिर बुज़ुर्ग कहने लगे कि हाँ वो शहर का राजा वो तो आपका बाप है और वो तो वैसे भी घमंडी है, उसके बारे में तो सभी को पता है। तो बेटी अगर आप यहाँ रहोगी और उसको पता चल गया तो फिर वो पता नहीं हमें कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर दे आके। तो बोले वो हमारी जिम्मेदारी है, आप हमें रहने की इजाज़त दे दें। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटी आप रह सकती हो। अब वो बुज़ुर्ग थे तो वो काफ़ी सोच रहे थे कि राजा अपनी बेटी के साथ भी ऐसा कर सकता है। तो उन्होंने परमिशन दे दी। तो रोज वो दादाजी कहने लगी उन बुज़ुर्ग को। तो दादाजी वो थे तो मॉर्निंग में सुबह ही चले जाते थे अपना नाश्ता पानी खाना बना करके, और शाम को ही आते थे झोपड़ी में। तो वो बेटी रहने लगी, कुछ दिन हुए थे तो जो वो दादाजी थे जो बुज़ुर्ग थे वो मतलब जो बकरी रखी थी उसका दूध निकालते थे और अपने गुजारा करके वो कुछ बचा लेते थे, जो कटोरी में जीव जंतुओं को रख देते थे वो वहीं जंगल में पास झोपड़ी के बाहर। तो उनका रोज का ऐसा ही रूटीन था। तो एक दिन क्या हुआ कि अल्लाह की रहमत ऐसी हुई जो वो बुज़ुर्ग थे वो भूल गए दूध रखना जीव जंतुओं के लिए, तो वो कटोरी का दूध उसी में रह गया। तो जब राजकुमारी ने उनके जाने के बाद देखा कि दूध तो यहाँ लगता भूल गए हैं दादाजी, तो फिर उन्होंने शायद भूल गए होंगे तो हम ही रख देते हैं। तो राजकुमारी ने क्या किया, वो दूध उठाया और जहाँ वो रखते थे वहीं पर रख दिया, और वहाँ पर रख कर वो आ गई अंदर। तो वहाँ पर दो नाग नागनी आए और वो दूध पी लिया उन्होंने, और वहाँ पर एक नागमणि छोड़ गए। तो नागमणि के बारे में पता ही है आप लोगों को कि क्या होती है, मतलब उससे तो कितना भी अमीर हो जाया जाता है और जो चीज़ में लगाओ सोना होती है। तो उससे वो उठाया उसने उसको, तो वो काफ़ी शॉकिंग में हो गई कि ये अल्लाह की रहमत है शायद। तो उससे वो इतनी मालामाल हो गई, इतनी ज़्यादा अमीर हो गई कि कहते हैं कि चुटकियों में उसकी ज़िंदगी बदल गई। तो वो जिस चीज़ में लगाती तो उसके पास इतना ज़्यादा सोना पैसा हर चीज़ हो गई इतनी ज़्यादा। तो बुज़ुर्ग से कहा उसने राजकुमारी ने कि जाओ सुनार को लेकर आओ और कहना कि फला फला जगह पर राजकुमारी है शहर के राजा की बेटी,
जो कि वहाँ उस साइड से अपना एक मतलब महल बनवाना चाहती है। तो जो ईंटों वाले भट्टा रहते हैं वहाँ जाओ और उन सभी को खबर कर दो कि यहाँ पर सामान डालना स्टार्ट कर दो। तो वो जो दादाजी थे, जो बुजुर्ग थे, वो गए शहर में और काफ़ी उनको खुशी भी थी। तो उनको लगा कि शायद में राजकुमारी जी ने ही शायद में कुछ सोचा होगा, तो अच्छा किया कि महल बन जाएगा हमारी झोपड़ी के पास में। तो राजकुमारी ने महल भी बनवाने की, राजा जो वो दादाजी थे उसके जो बुजुर्ग थे उनकी झोपड़ी के मतलब जगह पर ही बनवाने की सोची। तो एकदम से बड़े बड़े लोग जो भी थे बनाने वाले, जो भी मतलब मिस्त्री रहते हैं और जो सामान रहते हैं, जो प्लम्बर जो भी रहते हैं महलों को बनाने वाले, तो सभी लोगों को खबर करवा दी और एकदम से स्टार्ट हो गया महल बनना। और एक महीना नहीं हुआ और वो इतना आलीशान महल बनवाया राजकुमारी ने कि राजा से वो कई गुना बेहतरीन था, बहुत ज़्यादा गुना बेहतरीन था। तो जब वो महल खड़ा हो गया तो दूर दूर तक रोशनी थी। तो एक दिन क्या हुआ कि बस वो महल बन ही पाया था और उसमें राजकुमारी और वो दादाजी रहने लगे थे। तो एक दिन इधर राजा को याद आई अपनी उस बेटी की, तो उसने कहा कि देख कर आओ वो नसीब का खाने वाली को। सिपाहियों से कहा कि वो कहती थी कि नसीब का मैं खाती हूँ, मेरा नसीब मुझे खिलाता है, मेरे नसीब से मुझे सब ऐश आराम मिलते हैं, तुम्हारा कुछ नहीं है। तो आज देख कर आओ उस जंगल में वो क्या कर रही है, क्या मतलब खा रही है, क्या पी रही है, कैसे रह रही है। तो उस टाइम पर सिपाहियों ने कहा हाँ बिल्कुल। तो वो गए, तो वहाँ जब वो गए तो उसके जो नज़दीक पहुँचने लगे तो वहाँ चारों तरफ इतनी रोशनी, इतना मतलब एक अलग ही उसका जो कहते रुख बदल जाता है किस चीज़ का, तो अलग ही पूरा माहौल था। तो देखा तो उस जगह पर इतनी ज़्यादा बड़ा महल था। तो वो गई तो उन्होंने ढूंढा और वो महल में ही पूछने लगे कि ये महल कब बन गया है और कैसे बन गया है, जब मैं एक राजकुमारी को छोड़ने आया था तब यहाँ कुछ नहीं था। तो बोले ये किसका महल है। तो उन्होंने कहा कि ये एक राजा की मतलब जो बुजुर्ग थे ना उसी से ही मतलब पूछा, वो बाहर मिल गए। तो कहा एक राजकुमारी जी थी बेटी, जिनके बाप ने उनको निकाल दिया था घर से कि राज मतलब उनके विरोध में बोलती थी वो, तो उसकी वजह से उनको निकाल दिया था और यहाँ छोड़ दिया था। तो ना जाने अल्लाह की कैसी रहमत कि उस राजकुमारी ने ही ये सब पूरा बनवाया है और सब कुछ ही राजकुमारी जी का है। तो इतनी बात सुनी तो सिपाहियों के होश उड़ गए और राजकुमारी जी से मिले वो, और राजकुमारी बहुत नेक थी, वो उसे घमंड बिल्कुल भी नहीं था। तो वो सिपाहियों से मिली, दुआ सलाम की और कहा बताओ कैसे। तब कहा कि राजा ने आपके खैरियत पूछने को मतलब आपके बारे में पूछने के लिए भेजा है यहाँ पर, तो आप तो मतलब बिल्कुल ही पूरा का पूरा कहते रुख पूरे की पूरा कायनात ही पलट गई है, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो गई है कि राजकुमारी आपने इतना कुछ कर लिया पर कैसे। बोलते ये मेरे नसीब का है, ये मेरे नसीब ने किया है, मेरे अल्लाह ने किया है। फिर भी उसने एक ही बात बोली कि ये जो भी हुआ है वो मेरी नसीब से हुआ है, मेरे नसीब ने किया है, बस इतनी सी बात थी। और कहा कि जाओ उस राजा को बोलना कि आकर के मेरे घर में दावत पर हमने उसे इनवाइट किया है, अपने डैड से उसे इतनी नफरत हो गई थी। फिर तो उसने कहा कि जाओ और मेरे बाप को भेजना हमारे घर पर दावत के लिए। तो फिर राजा को जब बताया जाके सिपाहियों ने कि ऐसी ऐसी मतलब ऐसी ऐसी बात है, तो आपकी बेटी ने आपको उसी जगह पर बुलाया है दावत के लिए। तो सिपाहियों ने ये नहीं कहा कि वो महल बन गया है, बस उन्होंने कहा है कि चले आप दावत के लिए, उन्होंने इनवाइट किया आपको और आप देखें चल के उनकी कैसी हालत हो रही है। तो राजा बड़ा ही एक्साइट होकर के एक्साइटमेंट में गया और बहुत भी कहते रोबदारी में कि हाँ देखा, अब उसे पता चला होगा
कि मतलब हमारे खिलाफ जाने का मतलब क्या होता है, अपना नसीब बोलने का मतलब क्या होता है। और अब उसे शायद मेरी याद आई होगी कि शायद मैं अब्बा के ख़िलाफ़ ना जाती तो इतनी तकलीफ़ें ना उठाती। राजा ये सब सोच कर के आ रहा था और जब देखा तो वहाँ आलीशान महल जो राजा से कहीं ज़्यादा बेहतरीन था, तो कहा कि ये किसका महल है जो हमसे ज़्यादा बेहतरीन है और बड़ा है। तो कहा कि राजा किस जब कहा सिपाहियों ने कि ये वही राजकुमारी जी का है जो आपकी बेटी हैं, जो कहती थी कि अपने नसीब का खाती हूँ, मेरे नसीब का है जो भी हमें मिलता है शर्म, तो ये उन्हीं का है। तो राजकुमारी जी को बुलाया और कहा कि हाँ ये कैसे हुआ। राजा ने कहा बेटी ये कैसे हुआ ये सब कुछ मुमकिन। तो कहा कि ये मेरे नसीब ने किया है। फिर भी उन्होंने एक ही बात बोली तो फिर राजा को इतना पछतावा हुआ और वो इतना गिड़गिड़ा करके ज़मीन में गिर करके अपनी बेटी के सामने रोया और कहा कि बेटी हमसे गलती हो गई है और आज आपने इतने बड़े राजा का घमंड तोड़ दिया और एक सीख दे दी है कि कभी भी अल्लाह से बढ़कर अपने आप को ना समझा जाए और अल्लाह के कहते हैं कि मामले में शिरकत ना की जाए, अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं है और वाकई में हक ही है जो कि सबसे बढ़कर है और हक बोलने वाला ही सबसे बड़ा है। और बेशक हर इंसान को उसकी नसीब से ही मिलता है और इंसान देने वाला एक ज़रिया होता है जो अल्लाह किसी ना किसी इंसान के ज़रिए से उसको देता है। तो कभी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए कि ये जो भी हमने दिया है वो उस इंसान को मेरा है, जो मैंने दिया है ये नहीं है, ये सच्चाई यही है कि वो उसके नसीब का था जो आपके ज़रिए अल्लाह ने दिया। और आप घमंड करेंगे तो वो अल्लाह किसी और ज़रिए देगा उसे, पर देगा ज़रूर। तो जो दुश्मन छीनते हैं तो अल्लाह कुछ वक्त की परेशानी के बाद उसे फिर देता है। तो अल्लाह से राजा ने बहुत तौबा की और बहुत गिड़गिड़ाया, माफ़ी मांगी और फिर सुधर गया। तो इस स्टोरी से आप लोगों को क्या सीख, क्या प्रेरणा, क्या हौसला मिला है तो हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको इससे बहुत बड़ी सीख मिली होगी कि कभी किसी इंसान को, किसी के घमंड को कभी भी तवज्जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दें और हमेशा रब को ही रब समझें और अपने हक पर अड़े रहें, डटे रहें और हमेशा सच्चाई के साथ जिए, अपनी ज़िंदगी गुजारें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक